कोई भी जेंट्स ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तीन जेंट्स थे, उन तीन जेंट्सों ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हाथ जोड़ के। उन्होंने मेरी हेल्प की बहुत ज्यादा, उन्होंने आगे रास्ता बनाया और मैं उस जेंट्स को अकेली ऑटो में लेके पीछे पीछे आई। उन्होंने मेरा आगे आगे कल्पना चावला के लिए उन्होंने आगे आगे रास्ता बनाया। दो जेंट्स थे मेरे साथ और तीसरा उनसे आगे था, वो भी बिल्कुल हाथ जोड़ के। मैंने उनको जब हाथ जोड़ के ये कहा कि इंसानियत हो तो मेरे साथ चलो प्लीज, तब जाके उन्होंने अपनी इंसानियत दिखा। जब तीन लड़के मेरे साथ, मैंने किसी से हेल्प मांगी लेकिन जेंट्स ने मेरी बहुत कम हेल्प की। फिर चार लड़कों ने मेरे साथ लग के वहाँ उठवाया और उन्होंने ऑटो की, एक जेंट्स ने ऑटो की हेल्प की मेरी, लेकिन उन्होंने ऑटो में डाल जब उसको बिठा के तब लेके आई, तो रस्ते में ही सर मुझे ऐसा लगा कि सांसें उसकी बंद हो चुकी है। एक संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ पब्लिक को, चाहे फोन में लगो चाहे ना लगो, प्लीज इस फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप फोन फोटो उतारने बंद करो। प्लीज सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन है मेरी कि किसी भी कैसा भी इंसान हो, मेरे भी माँ बाप हो सकते हैं, आपके भी माँ बाप हो सकते हैं, प्लीज जितनी हेल्प हो उतनी हेल्प करनी चाहिए। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सेंट टेरेसा कॉन्वेंट। इसमें फोन किया था? अच्छा, तो क्या फोन किया था आपने दादू को, क्या कहा था? उन्होंने फोन नहीं उठाया था, किसी और से बात कर रहे थे। अच्छा, लेट हो गए थे, मतलब कोई पहुंचा नहीं था अभी तक, तो आपको क्या पता चला बेटा? फिर पापा एकदम आए थे, पापा को भी फोन किया था तो फिर उन्होंने बताया। बहुत प्यार करते थे दादू? बुजुर्ग सरदार जी उस तरफ से सड़क पर शायद चढ़ने लगे होंगे, लेकिन सामने से एक प्राइवेट स्कूल की जो बस है, पीले रंग की बस जिसमें स्कूली बच्चे सवार थे, वो जैसे ही आ रही थी और अचानक बुजुर्ग सरदार जी पिछले टायर के नीचे आ जाते हैं। जानकारी मिली है कि उनके मुंह के ऊपर से जो है टायर चला जाता है और खून ही खून जो है पूरी रोड पर बिखरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात देखा, खुद हादसा हुआ है। ये स्कूटी आप देख सकते हैं, उन बुजुर्ग सरदार जी की जो स्कूटी है वो यहाँ पर खड़ी है और एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया है, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। एक्सीडेंट कैसे हुआ इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, खून ही खून जो है रोड पर बिखरा हुआ है, खून ही खून यहाँ पर रोड पर बिखरा हुआ है। और इस दर्दनाक हादसे में किस तरह से बुजुर्ग सरदार जी बुरी तरह से लहूलुहान हुए हैं, उनके सर पर बताया जा रहा है कि जो बस का टायर था वो जो था वो बस का टायर उनके सर पर जो है कुचला गया। बच्चों को जो है दूसरी बस में शिफ्ट किया जा सके, आप देख सकते हैं बच्चों को दूसरी बस में शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि हादसा एक बहुत ही दर्दनाक हुआ है। कुछ लोगों ने बताया कि बुजुर्ग सरदार जी की मौत हो गई है, भगवान करे कि वे सुरक्षित हो, लेकिन जिस तरह से लोगों ने बताया कि उनके सर के ऊपर से टायर जो है जा निकला, आप देख सकते हैं बच्चों को दूसरी बस में ट्रांसफर किया जा रहा है। हालांकि ड्राइवर कहां पर है कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं गलती किसकी रही है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बहुत ही दर्दनाक हादसा होता है, एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। और किस तरह से स्कूटी पर सवार थे जो बुजुर्ग सरदार जी थे और इस बस के नीचे उनका सिर आ जाता है। पुरानी सब्जी मंडी के पास एक हादसा हो जाता है और हादसे में एक बुजुर्ग सरदार जी की मौत हो जाती है। हादसा इतना ज्यादा भीषण होता है कि मौके पर ही जो है दम तोड़ देते हैं। ऐसी भी जानकारी मिली कि लोग वहां पर सरदार जी को तड़पता ही देखते रहे, लेकिन एक पुलिस वाली मैम ने वहां पर जाकर उनकी मदद की इंसानियत के नाते। और फिलहाल आप देख सकते हैं यही पुलिस वाली मैम है जिन्होंने उनकी मदद की थी, और लेकिन जब हॉस्पिटल में लेकर आए गए तो वहां पर उनकी मौके पर मौत हो जाती है। मैम क्या कुछ हुआ था? मैं अपने बच्चों के पास जा रही थी घर पे, तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारी पब्लिक खड़ी है। मैंने देखा उतर के गाड़ी से, मेरा हस्बैंड मेरे साथ थे तो उनके काफी सिर वगैरह फूट गया, खून का भी बह चुका था, लेकिन उनके सांसें चल रही थी। मैंने देखा कि उनकी सांसें चल रही है, मेरे मतलब मुझे मेरे ऑफिसरों ने ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है कि भाई हम किसी की हेल्प करें। मेरे ऑफिसर बहुत अच्छे हैं तो उन्होंने बोला कि अपनी इंसानियत दिखाओ, तो मैंने देखा उनका खून बह के इतनी दूर चला गया था, तो मैंने मेरे पास चुंदड़ी थी, मैंने उनके सिर पे चुंदड़ी लपेटी, देखा उनकी सांसें चल रही, तो मैंने सभी से हेल्प मांगी, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। वहाँ इतने जेंट्स खड़े थे, सिर्फ दो लड़के आए मेरे साथ, उन दो लड़कों ने मेरी हेल्प की, तो मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ उठा के, उन्होंने एक ऑटो वाले ने मेरी हेल्प की, जब जाके मैंने उनको ऑटो में, तीन इंसानों ने हमने ऑटो में बैठ के जब जाके उनको यहाँ कल्पना चावला मेडिकल में ला के एडमिट कराया। सर दमन ने देखा तो उन्होंने मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया। वहाँ कोई मदद नहीं कर रहा? कोई भी जेंट्स ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तीन जेंट्स थे, उन तीन जेंट्सों ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हाथ जोड़ के। उन्होंने मेरी हेल्प की बहुत ज्यादा, उन्होंने आगे रास्ता बनाया और मैं उस जेंट्स को अकेली
ऑटो में लेके पीछे पीछे आई, उन्होंने मेरा आगे आगे कल्पना चावला के लिए उन्होंने आगे आगे रास्ता बनाया, दो जेंट्स थे मेरे साथ और तीसरा उनसे आगे था, वो भी बिल्कुल हाथ जोड़ के, मैंने उनको जब हाथ जोड़ के ये कहा कि इंसानियत हो तो मेरे साथ चलो प्लीज, तब जाके उन्होंने अपनी इंसानियत दिखा। जब तीन लड़के मेरे साथ आए जिसमें से एक का मैंने नाम लिखवा दिया यहाँ पे, और आपको लगता है मदद करते तो शायद जान बच जाती? सर शायद उनकी, सर अगर मेरे साथ होते थोड़ा और जल्दी, अगर मुझे पता अगर मैं चली जाती तो सर उनकी जान बच जाती, लेकिन मुझे अफसोस है उनकी जान नहीं बच पाई सर, बहुत ज्यादा अफसोस है जी। आप मधुबन पुलिस में? हाँ जी मैं मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स में एज ए जिम इंस्पेक्टर। जिम इंस्पेक्टर? हाँ जी। आप देख सकते हैं इस मैम को सैल्यूट है, लेकिन अनफॉर्चुनेट उन सरदार जी की डेथ हो जाती है, जसबीर उनका नाम बताया जा रहा है। और जो भी इस तरीके के हादसे होते हैं हमें सबक लेने की जरूरत है, हमें मदद करने की जरूरत है, क्योंकि वो किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, घर पर उनका कोई इंतजार कर रहा होता है, लेकिन एक हादसा जसबीर जी की जान ले लेता है। कुछ पता चल पाया था मैम हादसा कैसे हुआ? मुझे कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में कुछ भी, मैं नॉर्मली पर्सन वहां से गुजर रही थी, बस मैंने तो उतर के ऐसे देखा हुआ क्या यहाँ पे, बस ओनली, तो मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत ज्यादा खून है, लेकिन जेंट्स कोई भी हेल्प के लिए नहीं आ रहा वहाँ उसकी, और मैंने देखा उनकी सांसें चल रही हैं, तब जाके मैंने किसी से हेल्प मांगी, लेकिन जेंट्स ने मेरी बहुत कम हेल्प की, फिर चार लड़कों ने मेरे साथ लग के वहाँ उठवाया और उन्होंने ऑटो की, एक जेंट्स ने ऑटो की हेल्प की मेरी, लेकिन उन्होंने ऑटो में डाल जब उसको बिठा के तब लेके आई, उस रस्ते में ही सर मुझे ऐसा लगा कि सांसें उसकी बंद हो चुकी है। एक संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ पब्लिक को, चाहे फोन में लगो चाहे ना लगो, प्लीज इस फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप फोन फोटो उतारने बंद करो, प्लीज सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन है मेरी कि किसी भी कैसा भी इंसान हो, मेरे भी माँ बाप हो सकते हैं, आपके भी माँ बाप हो सकते हैं, प्लीज जितनी हेल्प हो उतनी हेल्प करनी चाहिए, जरूरी है इंसानियत, इंसान को अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए। सर मेरे सीनियर अधिकारी ने, मेरे ऑफिसर ने ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है सर हमें, मैं उनका बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ कि हम कहीं ऐसे बुजुर्ग बड़े छोटे किसी को भी देखते हैं ना, हम अपनी इंसानियत दिखाते हैं सर, उन्होंने बोल रखा है कि किसी से भी कुछ भी मतलब ये लगे कि हम इंसानियत दे सकते हैं, तो हम उनको इंसानियत अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए सर। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम लेडी हेड कॉन्स्टेबल गीता है सर, ये भाई साहब मेरे साथ थे जी, इन्होंने मेरी हेल्प कराई थी सर। मैं तो इधर से जा रहा था, मैं 6 सेक्टर जाना था, मैंने देखा सरदार जी गिरे पड़े हैं, पहले तो देखा कोई मदद नहीं कर रहा था, उनकी हल्की हल्की सांस चल रही थी, तो जब हमने उठाया, ये मैडम है इन्होंने उठाया, मैंने उठाया, एक दो भाई साहब और हैं वहाँ उठा के हम लेके आए, भाई किस तरीके उनकी जान बच जाए, सांस चल रही थी, यहाँ आके उनके स्कूल वैन ने टक्कर? हाँ जी हाँ जी, स्कूल वैन, ड्राइवर तो भाग गया था। हाँ जी। बच्चे स्कूल वैन के अंदर थे? हाँ जी हाँ जी। स्कूटी पर थे अंकल जी? हाँ जी स्कूटी पर थे, स्कूटी साइड पर पड़ी थी और गिरे हुए थे, कोई भी नहीं उठा रहा था, उल्टे हम थे पहले, हमने तो देखे ही नहीं था इन सर, पता हमें तो ये भी नहीं पता था कि लगी किस चीज से है इनका एक्सीडेंट, पता भी यही आगे चला इन भाई साहब ने बताया कि स्कूल की बस्ती, हमें तो पता ही नहीं था क्या था, किसने टक्कर मारी, कौन था, कैसा इंसान था, कुछ नहीं पता, ना हम इनको जानते सर, ना हमें कुछ पता। आपको लगता है कि वहाँ पर और लोग होते मदद करते तो? मदद करते अगर टाइम से हो जाता तो शायद वो बच जाते, काफी देर पड़े रहे 15-20 मिनट लगभग, मैं तो अचानक से निकला, मैंने देखा भाई सरदार जी गिरे पड़े थे, हमने से हेल्प करी मैडम ने, एक दो बंदे और थे उन्होंने आए लाए हैं, बल्कि ट्रैफिक जो थी हम साइड पे करते गए जल्दी ताकि जल्दी पहुंच जाए। हाँ जी तो हटाई आगे से, तब मैं ऑटो में लेके इनको आई, इन्होंने ट्रैफिक हटाई आगे से और मैं उन अकेली लेडीज को जेंट्स मतलब उस जेंट्स को लेके बैठी और इन्होंने आगे से ट्रैफिक हटाई, तब मैं उनको ऑटो में लेके जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंची सर, यहाँ आने के बाद पता चला कि मैडम बोली डॉक्टर सर बोले कि भाई है नहीं इनके सांस इस वजह से। आप समझ सकते हैं कि यही 2-3 लोग थे जो मदद कर रहे थे, अगर बाकी लोग समय से मदद करते तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। जसबीर उनका नाम है, सेक्टर 5 में वो रहते थे और ट्रांसपोर्टर्स वो थे, ट्रांसपोर्टिंग का वो काम करते थे और पुरानी जो सब्जी मंडी है वहाँ पर वो काम करते थे। दरअसल दोपहर का समय होता है, स्कूल की छुट्टी का समय होता है, स्कूल वैन जो है वो आ रही थी, टक्कर लगती है और कुचल दिया जाता है स्कूटी सवार जसबीर जी को, जिनकी उम्र
तकरीबन 65 से 68 साल बताई जा रही है और वहां पर कोई मदद नहीं करता है। शर्म की बात है, ऐसे समाज में रहना शर्म की बात है कि कोई मदद करने के लिए ही आगे नहीं आता है। लोग वहां पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति घायल हो गया है, कोई व्यक्ति घायल हो गया है, तमाशा देख रहे हैं, उनके सिर से खून निकल रहा है, लोग खड़े होकर ऐसे वहां पर तमाशा देख रहे हैं। ये सिखाया है हमारे माता पिता ने, ये सिखाया है हमारे समाज ने, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। अगर उनकी पहले मदद कर दी जाती, वक्त रहते मदद कर दी जाती, तो फिर उनकी जान को बचाया जा सकता है। अगले दिन किसी दिन आपके पिता का, मेरे पिता का, किसी का भी इस तरीके से सड़क हादसा हो सकता है, परिवार में किसी का भी सड़क हादसा हो सकता है, किसी के बेटे का, किसी की माँ का, लेकिन वहां पर हमें अपना फर्ज तो अदा करना है इस सोच के साथ कि कल को अगर हमारे साथ हो तो फिर शायद कोई मदद के लिए आगे आए, क्योंकि भगवान तो ये सारी चीजें देख रहा है। वहां से ये महिला गुजर रही थी जिनका नाम है गीता और ये हेड कांस्टेबल है, मधुबन के अंदर जिम इंस्ट्रक्टर है, तमाम पुलिस कर्मचारियों को सिखाती हैं, लेकिन ये वहां पर पहुंचती हैं, मौके पर पहुंचती हैं, अपनी चुन्नी से उनके सिर को बांधती हैं ताकि खून को रोका जा सके। और एक दो लोग फिर महिला की हिम्मत को देखकर, महिला के हौसले को देखकर, उनके जज्बे को देखकर आगे आते हैं और फिर मदद की जाती है। एक व्यक्ति वहां पर ट्रैफिक को हटाते हैं क्योंकि पुरानी सब्जी मंडी के पास का जो इलाका है वो ट्रैफिक से भरा हुआ रहता है, वहां पर ट्रैफिक को हटाया जाता है, ऑटो में महिला उनको यहां पर लेकर आती हैं, लेकिन यहां पर आकर पता चलता है कि जसबीर सिंह जी ने दम तोड़ दिया है। शर्म की बात है और कुछ सीखने की जरूरत है इस महिला से, इन तमाम लोगों से जिन्होंने मदद की। और जो लोग तमाशा देख रहे थे शायद वो कहीं आने वाले समय में अब एक सीख लेंगे कि इस तरीके से कोई हादसा होगा तो फिर हम मदद करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल परिवार में मातम का माहौल है, सेक्टर 5 में रहते थे जसबीर जी और कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में उनको लेकर आया गया था इलाज के लिए, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया है। इंसानियत इतनी ज्यादा शर्मसार हो चुकी है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति 65 से 70 साल के व्यक्ति जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो खून से लथपथ रोड पर पड़े होते हैं और कोई हेल्प नहीं करता, सिर्फ सब लोग फोटोज और वीडियोज उतार रहे होते हैं, और आज उन्हें जब हॉस्पिटल लेकर आया जाता है उनकी डेथ हो जाती है। और उनके परिजन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उन्हें सूचना मिली और क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। सर, क्या कुछ आपको सूचना मिली थी जसबीर सिंह के बारे में? ट्रांसपोर्ट बैठे कट्ठे, मैं रोटी खान गया, उठ के किधर 5 मिनट निकलन लगे ने, इन्नी देर अपना पोथी लेने नु लेन गए ने स्कूलों, उथे ट्रांसपोर्ट दे गई, बस निकली, ओदना वजे डेथ हो गई, किसी चुकया नहीं मौके से, बहरे ने वह लेडीस आई है, वो दी बड़ी मेहरबानी है, वही लैके आए ने हॉस्पिटल गेट तक आते, हाँ पुलिस ने, हाँ तो फिर फोन आया, इतने आया सीधा हॉस्पिटल ही आए। स्कूल बस ने टक्कर मारी। कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके के हादसे होते हैं तो मदद के लिए आगे आए? हाँ, मदद के लिए आगे आने चाहिए, जो टाइम से मदद आ रही है, समय पे उनको उठा के ले आए देती तो शायद बच्चा, बिल्कुल पब्लिक से यही अपील है किसी को भी देख के साथ दो। क्या काम करते थे, कहाँ के रहने वाले थे? ये ट्रांसपोर्ट है वही शक्ति टेम्पो सर्विस और 5 सेक्टर में रहते हैं। कौन कौन है परिवार में? परिवार में 2 जी आप हैं, लड़का है, नूह है और अपना लड़की है छोटी पोती है। तो देख सकते हैं ये नन्ही सी आंखें जो आंसू से भरी हुई है, इसके दादाजी इसे स्कूल से लेने के लिए जा रहे थे और उस वक्त ये एक्सीडेंट हो जाता है। और जो लोग हैं किस तरह से फोटोज वीडियोस बनाते रहते हैं, मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता और जब हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है उनकी मौत हो जाती है। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जसबीर सिंह जी आपको लेने जा रहे थे, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सेंट टेरेसा कॉन्वेंट। इसमें फोन किया था? अच्छा, तो क्या फोन किया था आपने दादू को, क्या कहा था? उन्होंने फोन नहीं उठाया था, किसी और से बात कर रहे थे। अच्छा, लेट हो गए थे, मतलब कोई पहुंचा नहीं था अभी तक, तो आपको क्या पता चला बेटा? फिर पापा एकदम आए थे, पापा को भी फोन किया था तो फिर उन्होंने बताया। बहुत प्यार करते थे दादू? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरसीरत है। दे
देख सकते हैं, छोटी सी बच्ची है और आंसू थम नहीं रहे हैं। दादाजी इतना प्यार करते थे, स्कूल से इस तरह से डेली लेने के लिए जाते थे और आज भी स्कूल से स्कूल ही जा रहे थे उसे घर वापस लाने के लिए, लेकिन ना ही वो स्कूल पहुंचते हैं और ना ही घर पहुंचते हैं। और जो खबर मिलती है उनकी मौत की खबर मिलती है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 5 में रहते थे और ट्रांसपोर्ट का काम करते थे और पुरानी सब्जी मंडी के पास इस तरह से ये सड़क हादसा होता है। एक स्कूल बस जो है टक्कर मार जाती है जसवीर सिंह जी को और उसके बाद काफ़ी देर तक, जो चश्मदीद है उन्होंने बताया, काफ़ी देर तक सड़क पर ही वो पड़े रहते हैं खून से लथपथ और कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता है। लेकिन हमने अभी बात भी की थी कि जो लेडी कॉन्स्टेबल हैं मधुबल कॉम्प्लेक्स में वो मदद के लिए आगे आती है और उन्होंने कहा किस तरह से हाथ जोड़कर जब वो लोगों से अपील करती हैं कुछ जेंट्स से कि मदद कर दीजिए इनकी जान बच जाएगी, उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी किस तरह से। और एक व्यक्ति से भी हमने बातचीत की किस तरह से उन्होंने ट्रैफिक आगे खुलवाया और हेल्प करते हुए आगे लेकर आए, जब इस तरह से कल्पना चावला की इमरजेंसी में लेकर आया गया लेकिन देर काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और यहाँ पर आकर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और इस तरह से ये पता चलता है कि जो हमारी अंदर की इंसानियत है लोगों की वो कितनी मर चुकी है। लोगों को सिर्फ फोटोज और वीडियोस बनाने की पड़ी होती है कि कोई भी खून से लथपथ वो एक शख्स पड़ा हुआ, एक बुजुर्ग आदमी पड़ा हुआ है, उसकी मदद की जानी चाहिए। अगर वही लोग फोटोज वीडियोज को छोड़कर उनकी मदद करते, उन्हें हॉस्पिटल समय से लेकर आते, वक्त रहते लेकर आते, तो शायद जसवीर सिंह जी हमारे बीच में मौजूद होते और जो नन्नी आंखें हमने आपको दिखाई, हरसीरत जो है उनकी पोती, वो उसकी आंखों में इस तरह से आंसू नहीं दिखते। तो इससे आप सभी को सीख भी लेनी चाहिए और मुझे लगता है अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो लोग सिर्फ फोटोज वीडियोज बनाने में लगे हुए, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि अगर वो इस तरह से मदद के लिए हाथ बढ़ाते, आगे बढ़ाते, यहाँ पर उन्हें लेकर आते, तो आज जसवीर सिंह जी हमारे बीच में मौजूद होते, वो जिंदा होते। तो यही अपील रहेगी कि सड़क हादसे काफ़ी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से चलाइए, क्योंकि अभी हमने देखा कि स्कूल बस थी और जो उसमें बच्चे भी मौजूद थे, जो ड्राइवर है वो वहाँ से बच्चों को से भरी स्कूल जो बस है वहाँ छोड़कर फरार हो जाता है। तो लापरवाही हो सकता है, लापरवाही ही बरती गई होगी। सड़क पर चलना है तो लापरवाही नहीं, सावधानी से चलाइए, क्योंकि देख सकते हैं किस तरह से एक घर का व्यक्ति चला गया और जो छोटे बच्चे हैं, पोती हैं उनकी, किस तरह से उसकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि उसके दादू जो हैं कभी वापस नहीं आएंगे। सेक्टर 5 में रहते थे जसवीर सिंह जी, ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, 65 से 70 साल उनकी उम्र थी और आज जब हर रोज की तरह अपनी पोती को कॉन्वेंट स्कूल से लेने के लिए जाते हैं लेकिन वहां पर नहीं पहुंचते और पोती को जब फोन करती है तो किसी और से बात करवाई जाती है और पोती देखा भी आपने कि वो हालत में भी नहीं है, इतनी ज़्यादा रो रही थी, परिवार में पूरा गम का माहौल है। तो हम तो बस यही अपील करेंगे कि वीडियो को शेयर करें, लेकिन साथ ही साथ हमेशा हम आपसे अपील करते हैं कि जब भी सड़क पर चलते हैं थोड़ा सा सावधानी से, थोड़ा सा आराम से चलिए ताकि अपनी और किसी दूसरे की जान को मुश्किल में ना लाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल। हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले